काला पानी की सजा यानी एक ऐसी सजा जो काल यानी मृत्यु के समान है, और गुलाम भारत की अंग्रेजों द्वारा ऐसी सजा जिसमें लोगों को मौत तक के लिए भेजा जाता था। आज आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे गो नारद और मैं हूँ खुशबू। हमारे देश के जलीय भाग में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप में अंग्रेजों ने 1897 में एक ऐसा जेल बनाया था जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, और उसकी चार दीवारी बहुत ही छोटी बनाई गई जिसे कोई भी आसानी से फांग सकता था, लेकिन उस पर केवल हर ओर समुद्र का ही पानी था। यानी फांग भी जाए कोई तो समुद्र के पानी में डूबकर तो अवश्य ही मर जाता। इस जेल का दूसरा नाम सेल्यूलर जेल भी था। सेल्यूलर यानी हर जेल इस प्रकार बनाई गई थी जिसमें कई ऊंची ऊंची कोठरियां थी, जहां प्रत्येक कोठरी में एक ही कैदी मरते दम तक रहता था, वो भी अकेले। यानी हर यातना के साथ अकेलेपन में रहना यहाँ के जेल की सबसे खास विशेषता थी। यहाँ तक कि हर कोठरी में रोशनदान भी 3-3 मीटर की ऊंचाई पर थी, जिससे एक कैदी दूसरे कैदी की आवाज तक भी सुन नहीं पाता था। तो यह थी काला पानी की छोटी सी कहानी, जहां हमारे देश के कई तेज भक्त ने मौत को प्राप्त किया। उन सभी का लेखा जोखा तो सही से कहीं नहीं मिलता, लेकिन यदि कोई आज भी वहां घूमने जाए तो उन सभी देशभक्तों की आवाज को वहां जरूर महसूस कर सकता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गो नारद। बनाए हर दिन बेहतर।